तो गाइज आज हमारे यहाँ नीचे चल रहा है, मतलब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गरबा, वो नवरात्रि वाले दिन होता है, डांडिया डांस एंड ऑल। सोसाइटी में फंक्शन रखा गया है प्रॉपर, तो स्टॉल लगाए गए हैं, स्ट्रीट साइड से स्टॉल होते हैं, लाइक गोलगप्पा, टिक्की, चाट एंड क्वालिटी वॉल्स वालों के आइसक्रीम का ठेला नीचे लगा हुआ है, तो वो सब चल रहा है नीचे। मैं जाना चाहती थी बट मैं गई नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी आज, तो इसीलिए नहीं गई। और एंजल आज बिल्कुल भी घर में मन नहीं लग रहा है, एंजल नहीं है, एंजल अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है, मैं उसको छोड़ने के लिए गई थी, तो काफ़ी सैड सैड सभी फील हो रहा है, बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है मुझे घर में। उसकी आज शॉपिंग भी कराई मैंने, शॉपिंग में क्या कह लिया उसने मैं आपको कल दिखाऊंगी, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी नीचे गरबा वाली वीडियो। और मैंने भी आज शॉपिंग में लिया है ये एले का बैग, ये जो पेरिस ब्रांड है एले, इसका बैग लिया मैंने। वैसे मुझे बैग्स का एंड शूज़ बेलीज़ का बहुत क्रेज़ है, बट मैंने काफ़ी टाइम बाद बैग की शॉपिंग करी है, सो ये लिया है। तो और आज हम जब एंजल को छोड़ के आ रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने देखा एक बच्चा था बड़ा स्वीट सा, तो उसकी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो फोटो खींचू आपकी, मैं फोटो खींचू आपकी, नहीं खींचू फोटो। हाँ देखो भाई, इस बच्चे ने काट के फेंक दिया भाई, कितना प्यारा बच्चा है, हाथ नहीं काट लेना, नहीं चोट वो मुझे कह रहा है नहीं काटा, वो काटा है मैंने। बंद कर दू, फोटो खींच दू, फोटो ले लू, फोटो आपकी, हाँ कितना प्यार है, बच्चे कितने मासूम होते हैं, वाओ कट गया, वाओ क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, हाँ यार आपने तो काट दिया, क्या वीडियो वीडियो बनाओ, अच्छा ठीक है ठीक है बोला वीडियो वीडियो बनाओ, ओ गिगिया ये लो हाँ ये कट गया। देखा आपने कितना स्वीट बेबी था, वो बहुत ही स्वीट सा बच्चा था, कितना प्यारा कैसे बोल रहा है, सब्जी वाले का बेबी था वो, तो मैंने ऐसी बात करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब बहुत बच्चे होते हैं ना यार, मतलब छोटा बड़ा, मतलब उनकी नज़रों में तो कोई कुछ होता ही नहीं है, इनोसेंट होते हैं बच्चे यार, और जानते हैं नहीं जानते हो, किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी से भी घुल मिल जाते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, और ये तो बहुत ही क्यूट सा था। तो बाकी मैं यही बता रही थी, मुझे बड़ा लोनली फील हो रहा है, याद आ रही है एंजल की, अभी इस टाइम वो होती तो मम्मा लूडो खेलो लूडो खेलो लूडो खेलते हैं, आओ लूडो खेलते हैं, मतलब फर्स्ट नाइट है मेरी ऐसे कि मैं ऐसे घर में रहते हुए भी वो मेरे से अलग है, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत ही वियर्ड सा फील हो रहा है, एंड सीरियसली आई एम मिसिंग हर, और घर में होती है तो मुझे परेशान करती है, बट मुझे उसकी परेशान करने वाली आदत लग गई है, अब मन नहीं लग रहा उसके बिना। चलो फिलहाल अभी करते हैं इसको कंटिन्यू, इतना आप देखो ज़रा मेरा नीचे जो गरबा मैं आपको दिखाती हूँ जो चल रहा है उसका वीडियो, और फिर उसके वीडियो के बाद मिलते हैं। नीचे गरबा का फंक्शन कैसे हो रहा था, और एक्चुअली क्या है कि फंक्शन तो जैसा भी था मेरा नीचे जाने का मन नहीं था, प्लस एंजल यहाँ नहीं है तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने खाने का, तो बट फिर भी अभी सोचा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो खाना पड़ेगा, दवाई खानी है, तो फिर तब मैंने अभी थोड़े से राइस फ्राई कर दी,
वही खाऊंगी। और बाकी कल एंजल आती है, उससे पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस। एक्चुअली उसका भी मन नहीं था जाने का कि वो नाइट स्टे करे वहाँ मेरे बिना, क्योंकि वो भी नहीं रहती है नाइट में ऐसे अकेले। बट फिर भी जाना पड़ा बिकॉज उसकी फ्रेंड का बड़ा मन था, उसकी फ्रेंड की मम्मा बड़ा इंसिस्ट कर रही थी, मेरा उसको समझाया एंजल कि कोई बात नहीं, रुक जाओ। तो कोई बात नहीं यार, कभी कभी चलता है ना। याद आ रही है बट उसकी बहुत याद, बहुत ज़्यादा आ रही है। चलो करते हैं इसको कंटिन्यू। रख दिए हैं ये राइस बनने, कुकर में आपको दिख रहे होंगे। और अभी मैंने क्या करा था, मैं मार्केट से आई थी तो मैंने ये सब्ज़ियाँ वॉश करके रख दी थी, और इनको वॉश करके रखा है तो मैं इनको फ्रीज में सेट कर देती हूँ, क्योंकि इनका पानी जो है पूरी तरीके से निकल चुका है। फ्रिज में कुछ ऐसा नहीं रहेगा। ये होती है मेरी फ्रिज में बास्केट्स, मैं आपको दिखाऊँ अपनी फ्रिज की। ये देखिए, ये है मेरा फ्रिज अंदर से, ठीक है। तो इसमें मेरा आटा गूंदा हुआ रखा है, और ये मेरी है टमाटो वाली बास्केट, और इसमें आएगी हरी मिर्च और शिमला मिर्च। तो इसको हम सेट कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। सो यार अभी ना मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मेरा मतलब मन ही नहीं लग रहा घर में। तो मैं सोच रही हूँ ये काम कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, वो सोच के ही मैं ये सब कर रही हूँ। बाकी फिर भी उसकी याद आ ही जा रही है, मुझे बहुत याद आ रही है एंजल की। इवन अब बेस्ट फ्रेंड है उसकी, मैं मना भी नहीं कर सकती, रहना तो वो भी चाहती थी उसके पास काफ़ी टाइम से, कह रही थी। आज जब जाने की बारी आई तो एंजल ने मना कर दिया, नहीं मैं आपके बिना नहीं रहूँगी, मुझे आपके बिना नहीं रहना है। उसको उसके घर पे बड़ा अच्छा लगता है, बट उसको मेरे बिना नहीं रहना है। तो इवन मम्मा पापा भी ऐसे अलाउड नहीं करते हैं मैं उसको छोड़ूँ कहीं पर, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी फैमिली बहुत ट्रस्टवर्थी है, तो मैंने छोड़ दिया। इट्स ओके कि चलो, काफ़ी टाइम से बोल रही थी यार मेरे को, मतलब स्लीप ओवर करना है एंजल के साथ, स्लीप ओवर करना है उसकी फ्रेंड ना, काफ़ी टाइम से बोल रही थी। सो फाइनली आई डिसाइड किया चलो, बच्ची है यार, वो भी काफ़ी टाइम से बोल रही है, हमेशा फ़ोन करके बोलती थी कि प्लीज़ इसको ना स्लीप ओवर के लिए भेज दो मेरे घर पे। तो मैं हमेशा मतलब डिनाई कर देती थी कि नहीं बेटा, मैं स्लीप ओवर के लिए तो अलाउड नहीं करूँगी। तो अभी उसने कुछ एंजल को पटाया वटाया होगा, तो लास्ट दो तीन दिन से एंजल कहने लगी थी मम्मा मैं चली जाऊँगी, मेरे को भेज देना। मैं कहा ओके बेटा, अगर आप जाने के लिए रेडी हो तो इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट फिर भी वो तो मैंने उसको कह दिया था आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई हैव प्रॉब्लम यार, मेरे को फ़र्क पड़ता है वो उनसे दूर जाती है, मेरे पास है ही कौन उसके अलावा यहाँ पे। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर वो मुझसे दूर जाती है, बहुत बहुत मतलब सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने कर दिए हैं टोमेटो सेट अपनी बास्केट में, ही मेरा फ्रिज बंद होने वाला है, ठीक है। ये भी गए फ्रिज में, ठीक है। अब रह गई है मेरी लास्ट बास्केट, जो कि है ये येलो, जिसमें जाएंगी ये ग्रीन चिलीज। ये भी मैंने वॉश कर लिया इनका। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इनके मैं जो होते हैं ऊपर के जो डंठल होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ, इससे क्या होता है कि मिर्चें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, सूख जाएंगी बेशक बट ये मिर्चें गलेंगी नहीं, बहुत ही फ्रेश रहती हैं, काफ़ी दिन तक आप इनको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप इनके ऊपर की डंठल, इनके ऊपर की जो डंडियाँ होती हैं ये आप देख रहे होंगे, ये अगर आप निकाल देते हैं तो हमेशा ऐसे ही निकाल के मार्केट से लेके आती हूँ, उसे निकाल के इसको वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद फ्रिज में लगा देती हूँ। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँगी तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और एंड करते करते मैं आपको रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे एंजल को। और मोटिवेशन तो आप लोग देते ही हैं, प्यार बहुत सारा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
वाहेगुरु जी आप सबको बहुत बहुत खुश रखें, बहुत खुशियाँ दें, जो आप चाहते हैं, जो आपके नसीब में है सब आपको मिले, और बस हमारे ऊपर भी इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को पसंद करते हो तो। हमारी आगे आने वाली वीडियोस जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ मैं डेली आपके साथ शेयर करूँ, बट टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसा इशू हो ही जाता है। सो इट्स ओके, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड लव यू।